मैंने मिस्टर कॉल को नहीं मारा है। तो किसने मारा? येती ने। येती? पिलॉट, फैक्ट तो ये है कि येती नाम का क्रिएचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपके पास भी कोई प्रमाण नहीं है कि आकाश कॉल की हत्या मेरे मुवक्किल ने की है। योर ऑनर, अगर मिस्टर पाठक प्रूव करना चाहते हैं कि उनके क्लाइंट इनोसेंट है तो उन्हें यहाँ अदालत में सबके सामने येती की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना होगा। ये तो येती है। येती? ये वीडियो आपको कहाँ मिला मिस्टर पाठक? योर ऑनर, ये सिर्फ मिस्टर पाठक को ही नहीं, ये सेम सीडी मुझे भी भेजी गई। स्पष्ट है योर ऑनर, भेजने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमें विश्वास दिलाना चाहता है कि ये टी है। पर मेरा ये मानना है योर ऑनर कि ये फेक है। योर ऑनर, कोई हमारे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी अभी हमने जो स्क्रीन पर ये टी का इमेज देखा है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनवाया गया। नहीं योर ऑनर, ये असली येती है और इसी को मैंने हिमालय पे देखा था और इसी ने मिस्टर कॉल की जान ली थी। साइलेंस इन द कोर्ट। मिस्टर पाठक, इस वीडियो को लेके आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? योर ऑनर, मैं इस चलचित्र पर कोई टिप्पणी करूं उससे पहले इसकी जांच करवाना चाहूंगा ताकि ये पता चल सके कि ये असली है या नकली। मैं ग्राफिक्स एक्सपर्ट मिस्टर शिरीष मेहता को यहाँ बुलाकर इसकी जांच करवाना चाहूंगा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो? अनुमति। मेहता साहब, न्यायाधीश महोदय को बताइए, आपके जांच का परिणाम ये दृश्य वास्तविकता है या बनावटी? जज साहब, विजुअल तो बिल्कुल असली लगता है, रियल लोकेशन पे जाके शूट किया गया है। हाँ, लो डेफिनेशन कैमरा की वजह से विजुअल इतना साफ नहीं है, पर है असली, कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है। लोकेशन की बात छोड़िए, ये बताइए कि येटी सच है या झूठ? सब कुछ बिल्कुल रियल है मैम, इस वीडियो में ग्राफिक्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है। येटी, आइस, यहाँ तक कि कैमरा भी बिल्कुल असली है। साइलेंस इन द कोर्ट। मैंने पहले ही बोला था यही येटी है और इसी ने मिस्टर कॉल को मारा है। जहां तक मुझे याद है कि कैमरा मिस्टर कॉल का ही है। योर ऑनर, यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इन्होंने अपने कथन में कहा था कि जब यति ने वार किया था आकाश, तो संग संग आकाश का कैमरा भी तोड़ दिया था। फिर ये जो दृश्य हमने देखा, ये दृश्य किसके कैमरा में कैद हुआ था? अगर किसी और के कैमरा में कैद हुआ था, इसका अर्थ ये होता है कि कोई और भी था चोटी पर। अगर नहीं तो ये प्रश्न खड़ा होता है योर ऑनर कि इस दृश्य का चलचित्रकार कौन है? पिलॉट, कहीं ऐसा तो नहीं कि विकी माथुर ने ही ये शूट किया हो? नहीं, मैं अपने साथ कैमरा लेकर भी नहीं गया था। हेटी की आवाज सुनने के बाद मैं कैंप से बाहर निकला और हड़बड़ी में कैमरा वहीं छूट गया। ये तो सोचने वाली बात है कि मैं जेल में रहकर आपको और प्रोसिक्यूटर को सीडी कैसे भेज सकता हूँ। बिल्कुल उचित प्रश्न है योर ऑनर। सलाखों के पीछे रहकर ये मुझे और मिस पुरी को ये सीडी कैसे भेजते? देखो, आपने कथन दिया था कि आप निकली तो थी आकाश और विक्की के साथ येती की खोज में, फिर अचानक आपके पैरों में चोट आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चोट केवल एक बहाना था? जैसे ही आकाश और विक्की आगे बढ़े,
आप उठ खड़ी हुई और उनके पीछे गई चुपचाप। आपने उस यती को अपने कैमरा में उतार लिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। रेनू यहाँ पर पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी है कि उसने यती को नहीं देखा। राइट योर ऑनर, जब मैंने यती को देखा ही नहीं तो उसको शूट करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और सर, मैं किसी को ये वीडियो क्यों भेजूंगी? मुझे क्या पड़ी है ये प्रूफ करने की कि कोई यती एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? शब, यती हिमालय पे 100% है शब। लेकिन शब, हम गुफा के बाद वहाँ से दफा हो गया। नहीं अब मेरे मन में ये विचार उठ रहा है कि आप कह रहे हैं कि आप वहाँ से दफा हुए थे, किंतु ये भी तो संभव है कि आप वहाँ से दफा नहीं हुए थे, आप वहीं कहीं छिपे हुए थे, स्वयं यति को देखना चाहते थे और जब यति आया तो उसको आपने अपने कैमरा में उतार लिया, उसकी चित्र खींच ली। क्या बात करते हो शाह, हमारे पास ना तो कैमरा था और ना ही हमको कैमरा चलाने आता है शाह। बाबा बाबा पशुपतिनाथ का कसम शाह, हम वहां से भागकर सीधा अपने घर को गया। अब बाकी ये लोगों से पूछो शाह। विक्की, आपने बताया तो था कि उस समय आप वहीं नीचे थी कैंप में, टेंट के अंदर अकेली, किंतु ये संभव है कि आप वहां से निकलकर इन दोनों के साथ गई हो, इनके पीछे पीछे गई हो। और हिमानव का ये जो चलचित्र है, इसकी चलचित्रकारा आप ही हो, पॉसिबल? ये तो कुछ भी कर सकती है योर ऑनर, अपने लवर यानी कि विकी माथुर को बचाने के लिए। हिम मानव तो क्या, ये तो हिम दानव का भी फोटो खींच सकती है। प्लीज, आप लोगों को पता होना चाहिए उस रात मुझे बहुत तेज बुखार था। इनफैक्ट मैं तो बेड से उठने लायक भी नहीं थी। और हाँ, मुझे टैंक के बाहर यति का शैडो दिखाई जरूर दिया था, लेकिन सिर्फ शैडो, पूरा यति नहीं। वो शक्ति बाहर गया था, उसको शायद यति मिला होगा। मुझे व्हाट रबिश, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि मुझे कोई यति वेती नहीं दिखा था। वहाँ सिर्फ और सिर्फ स्नो लेपर्ड के पैरों के निशान थे, दैट्स इट। अरे यार शक्ति, देखो ना, मैं असमंजस में हूँ। बता दो ना, कौन हो सकता है इस दृश्य का चलचित्रकार? बताओ ना, कौन था तुम्हारे साथ? I'm so sorry to interrupt you once again. हिमालय पे कौन था और कौन नहीं, इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक इस बात से है कि यति था कि नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आप। और ये जो चलचित्र हमने अभी अभी देखा अदालत में, वो ये झूठ है योर ऑनर। आजकल ऐसी ऐसी टेक्निक आ चुकी है जिसमें असली और नकली के बीच में फर्क पता करना बहुत मुश्किल हो चुका है। लाइफ ऑफ पाई का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें असली और नकली टाइगर के बीच में आप फर्क बता कर देखिए, इवन एक्सपर्ट्स कांट है। ओहो, मिस पुरी, लाइफ ऑफ पाई के टाइगर को बनाने में पूरे 2 वर्ष लग गए थे, और ये सीढ़ी तो हमें हत्या के 1 सप्ताह पश्चात ही मिल गई। और फिर मेहता साहब जो इस ग्राफिक्स के विशेषज्ञ हैं, वो भी तो इन्हें कुछ नहीं पता। पिलोन, आजकल ऐसे बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स भी रियल और फेक वीडियो के बीच में कुछ नहीं बता पाते। रादर इनसे बड़े तो क्रिमिनल्स हैं, जो हर रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करके ऐसे नए नई चीजें बाहर निकालते हैं। एंड आई एम श्योर, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये वीडियो भी विकी माथुर के किसी कंप्लिस ने ही भेजा होगा। विकी माथुर के किसी कंप्लिस ने ही ये वीडियो भेजा है, ये प्रूफ करने के लिए कि यति एग्जिस्ट करता है। क्यों विकी, सच है ना? ये आप क्या बोल रही हैं? सच कह रही हूँ। सच सुनकर तुम बहरे तो नहीं हो गए ना? नहीं 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 नहीं, देखिए, सच जो होता है वो प्रमाण के पैरों पर खड़ा होता है, जो आपके पास अभी है नहीं। और मुझे लगता है कि आपकी जानकारी आधी है मिस पुरी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है मिलोर्ड, कि यति नाम की चीज इस दुनिया में ही क्या, इस यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तो बस हमारे दिमाग की एक इमेजिनेटिव थ्योरी है, जस्ट लाइक एलियंस, जो फिल्मों में या फिर कॉमिक्स में आपको देखने को मिलता है। मिस पुरी, इस बार जो हमने देखा वो थोड़ा सा भिन्न है, हिमालय के पहाड़ों में। आपने अपनी आंखों से देखा मिस्टर पाठक? किंतु अब देखूंगा। मतलब? मतलब ये कि आप किसी को अगर बोलने दें और बीच में न ठुके तो बताओ। थैंक यू योर ऑनर। ये केस जो है, ये यती के होने या ना होने के आधार पर उलझ गया है। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते कि यती का अस्तित्व है या नहीं, इस केस में किसी भी परिणाम तक पहुंचना संभव नहीं होगा योर ऑनर। मैं अदालत से विनती करता हूं कि मुझे समय दिया जाए ताकि मैं स्वयं हिमालय की चोटियों में जाकर पता लगाऊं कि यती है या नहीं।
ऑर्डर। मिस्टर पाठक, आप एक वकील हैं, माउंटेनियर नहीं। हिमालय की ऊंचाई कैसे चढ़ पाएंगे आप? योर ऑनर, अभ्यास तो मैंने वकील होने की ही की है, किंतु कॉलेज के दिनों में मैं माउंटेन क्लाइंबिंग भी करता था योर ऑनर। नॉनसेंस मिस्टर पाठक, आप क्या कहना चाहते हैं कि आप हिमालय पे जाएंगे, कोई आलतू फालतू फुटेज लेकर आएंगे और यहाँ पर अपने क्लाइंट को इनोसेंट प्रूव करके केस जीत जाएंगे? मानना पड़ेगा, कमाल का प्लान बनाया है आप, लेकिन इस बार आपका पाला अंजलि पुरी से बड़ा है, इसलिए हिमालय तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ मिस्टर पाठक। किराना, मैं आपसे परमिशन चाहती हूँ कि इस मिशन में मैं मिस्टर पाठक के साथ ज्वाइन इन करूँ। मुझे कोई कष्ट नहीं है। ऑल द बेस्ट मिस पुरी, वेलकम टू ऑपरेशन येटी भाग द्वितीय। शब, आज हम लोग यहीं पे रुकेगा, बाकी का कर क्लाइंबिंग करके आप लोगों को वहाँ पे लेके जाएगा जहाँ पे उन लोगों ने येती को देखा था शब। तब तक हम लोग यहाँ पे टेंट लगाते हैं शब। अच्छा हुआ शब, हम हेलीकॉप्टर से सीधा इधर को आ गया, वरना पिछली बार हम आकाश बाबू के साथ आए थे, बेस कैंप से यहाँ तक आने में पूरा एक हफ्ता लग गया था शब। यहीं पर टेंट डाला था हम लोग ने। इसका मतलब येती की आवाज सबसे पहले इधर ही जाए? हाँ शाह। नॉनसेंस, मैंने तो अब तक चू भी नहीं सुनी यहाँ पर, ये येती वेती कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ। वकील मैडम, बॉस ने बोले ला है ना, कुछ सोच के बोला रहेगा, ऐसे आप उनका बॉस हवा में बात नहीं करता क्यों बॉस? बस आप बोलो, आप उनको जो करेंगे आप उनको करेंगे। गौर सिंह कहाँ है? अब उनको पता नहीं, अब उन सो रहे ला था बस। सिंह शब, आपने सुना वो येती का आवाज? यही सुन के तो हम यहाँ से बाहर देखने को गया था, तो वो भाग गया। येटी से मिलने आए हैं यहाँ, सलमान खान से नहीं। अपनी त्वचा का ख्याल रख रही हूँ। अच्छा, त्वचा का ख्याल रख रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। और इज इट अ क्राइम मिस्टर पाठक? इज इट? ए वकील, शांति रखना। अरे बॉस, अपुन को समझ में नहीं आता ये गोरखा क्या नाम है उसका, वो शेरपा किधर को जाता है, फिर गायब हो गया। अरे गौर सिंह। ए शेरपा, गौर सिंह। आए शाह, हम इधर है शाह। चले जाते हो? वो नजर रख इस पे जरा। रवि साहब, ये आकाश कौल के लैपटॉप में कुछ अजीब भी लिखा हुआ है। क्या है? वो हिमालय जाने से पहले इटली सरकार को कुछ ईमेल भेजा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे एट italia.com। सर फाइल ओपन नहीं हो रही, और ये देखिए, क्लिक करने से कोड पूछ रहा है, और इस फाइल का कुछ नाम भी नहीं, बस एस लिखा हुआ है। एस का मतलब क्या हो सकता है? फाइल खोलने के बाद ही पता चलेगा। एक काम कर, कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुला। बॉस, 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 अपुन वापस आ रहे हैं बॉस। डरो मत, अपुन मर रहे ला बॉस। आराम से, आराम से। अपुन मर जाएगा बॉस, अपुन वहां पे जा रहे हो। हे राम, हे राम, राम राम, राम राम। आ जाओ संभाल के। क्या हुआ मेहता, फाइल खुल गई कि नहीं? मुझे थोड़ा वक्त दीजिए इंस्पेक्टर। क्यों, श्रमण्य शेरपा से तो नहीं पूछा आपने कि मैं मदद कर देता हूँ? Just because I'm a female,
आप अपना सेक्सिस्ट रिमार्क मारना चाहते कि मैं मदद कर देता हूँ। ओ कितनी बेचारी महिला है जिसको मेरी मदद की जरूरत है। लेकिन थैंक यू मिस्टर पाठक, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। करिए करिए। शाप। हाँ। एक मिनट। आता हूँ। अभी करने का तेरे को? जोर से लगी है। जोर से लगी है। जा। कोबरी। ये खुल गया, फटाफट का काम हो गया। ये तलवार कैसी है? अब समझ में आया दवे साहब, ये एस का मतलब आकाश स्वॉर्ड, यानी कि आकाश की तलवार है ये। लेकिन ये तो पुराने डिजाइन की लगती है, जैसे तलवार म्यूजियम में होती है पुराने जमाने की। और आकाश एक माउंटेनियर था, उसका तलवार के साथ क्या ना था? मेहता, ये एक काम कर, आकाश ने इस आईडी पे जितनी मेल्स भेजी है सारी चेक कर, कोई सुराग जरूर मिलेगा। ओके। ये चलिए मिस पुरी, दीपावली से पहले पहुंच जाए तो अच्छा है। ये शिरपा किससे बात कर रहा है? इसे अपन को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ गड़बड़ है बॉस। Are you comfortable, Miss Puri? मिस पुरी, लोग देख रहे हैं। अरे अपुन का बहुत सॉलिड है। बस बस सॉलिड बस। कुछ और ईमेल्स जो भेजी गई हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इटली, जिसमें कहा है कि तलवार मेरे घर में है, मैं आपको बेच रहा हूँ। आई शाप, संभाल के। ये देखिए शाप, ये येती का ड्राइंग है, हमारे पूर्वजों ने बनाया था बहुत साल पहले। एक इधर भी है शाप। आगे चलिए, आगे और एक गुफा है। शाप, आई शाप, शाप देखिए साधु बाबा, बाबा महाराज की जय। अरे बाबा क्या सॉलिड लग रहे ले? क्या सॉलिड मेंटेन किया ना बॉस? एक बाबा की फोटो बनती है। बाबा, ए बाबा, स्माइल। मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आए हो। मैंने उनसे भी पहले कहा था लौट जाओ, अब तो मैं भी यही कह रहा हूं, वापस जाओ, यहां कुछ नहीं मिलेगा। बाबा यहां हम येती की वास्तविकता ढूंढने आए हैं। अब बताइए क्या वास्तविकता में येती है हिमालय पे? हिम मानव, आपने देखा है? सत्य तो अपने भीतर में छुपा होता है,
बाहर तो केवल भ्रम होता है, तुम सत्य को देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हो ईश्वर की तरह। दोई साहब, ये देखिए, ये तलवार का बक्सा तो खाली है। इसका मतलब अलेक्जेंडर की तलवार यहीं पर थी, जिसे किसी ने गायब कर दिया। ज्यादा वही काम कर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुला, तभी पता चलेगा कि ये तलवार किसने गायब की है। So I think that's it. यदि नहीं है, है ना बाबा? तुम मनुष्य मूर्ख हो, जो लिखा है बस वही तुम्हें दिखता है। Nonsense. कोई संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं हमसे? कोई नहीं। ये आवाज कैसी आ रही है? शाप, ये वही जगह जहाँ से हम वापस लौट गया था। आकाश शाप को भी लौटने को कहा था, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब वो ऊपर जाके पछता रहा होगा शाप। क्या हो बॉस? मुझे लगा कि हमारे पीछे कोई है। नॉनसेंस मिस्टर पाठक, इतनी सुनसान पहाड़ी में हमारा पीछा कौन करेगा? शेरपा, चलो आगे लेकर चलो। जी मैम शाप, आइए। तुम तो कह रही थी कि यहाँ कोई परिंदा भी नहीं, फिर ये पैरों के निशान कहाँ से आए? शाप, ये तो येती के पैर का निशान है शाप। वो यही कहीं है शाप। शाप, शाप ऐसे भाग लो, वो हम सबको मार डालेगा। शाप, शाप, शाप भागो। गोटेंग। नॉनसेंस मिस्टर पाठक, येती के पैर के निशान हो ही नहीं सकते, बिकॉज येती ने बचाओ। शेरपा के चीखने का आवाज है बॉस। बॉस आपको लटकू नहीं। बॉस बॉस सिंह, बॉस सिंह, येटी कहाँ चला गया? हेलो शेरपा, सेठी बोल रहा हूँ मुंबई से। कुछ पता चला? हाँ सेठी साहब, बहुत कुछ पता चला। मुंबई आएंगे तो आपको भी पता चलेगा। शूट किया तूने? हाँ बॉस, अपू ने किया, मस्त वीडियो मोड में। मैं मानता हूँ कि शेरपा के साथ टच में था मैं, और मैंने ही उसे सैटेलाइट फोन भी दिया था। लेकिन क्यों, क्यों ये तो बताइए। मैं सब कुछ बताता हूँ सर। देख शेरपा, मैं जानता हूँ कि हिमालय पर ये चीज जरूर है, और आकाश को भी उसी ने मारा है, पर अफसोस हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तू केडी के साथ जा रहा है ना हिमालय पर उसका गाइड बनके, मेरा एक काम करेगा? बोलो साहब, काम क्या है? ये ले कैमरा पकड़, और याद रहे येती का सबसे पहला सबूत मुझे ही मिलना चाहिए, केडी पाठक या किसी और को नहीं, वरना वो लोग क्रेडिट ले जाएंगे। पर ये सब काम से मेरे को क्या मिलेगा सर? शॉप 1 करोड़ कम लग रहा है। चल शेरपा, तुझे 2 करोड़ दिए, पर याद रहे येती का सबसे पहला सबूत मुझे ही मिलना चाहिए। ठीक है सेठी साहब, आपका काम हो जाएगा। ये ले सैटेलाइट फोन, मैं इसके जरिए तुझसे बात करता रहूँगा, पर याद रहे नो मिस्टेक्स। ओके, ठीक है ना? ठीक। बस इतनी सी बात है रोनर, इसके अलावा मेरा शेरपा के साथ कोई लेना देना नहीं था। वो कैसे मरा, किसने मारा, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन हम जानते हैं, रोनर शेरपा का कत्ल हमारी आंखों के सामने हुआ था, और सबूत भी हम अपने साथ में लेकर आए। उसे चलाने की हम आपसे इजाजत मांगते हैं। बताओ।
यति। मैं जानती हूँ कि इस केस की शुरुआत में मैंने ही कहा था कि यति एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन खुद अपनी आंखों से देखने के बाद आई हैव टू एडमिट यति है। और शेरपा का कत्ल भी यति ने ही किया है। इसका मतलब है कि आकाश कौल का कत्ल यति ने किया है, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचा। विकी माथुर सही कह रहे थे, वो बेगुनाह है। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर पाठक, आप केस जीत गए। आपने यति का सच साबित कर ही दी। मैं जीता तो हूँ लेकिन पूरी तरह से नहीं मिस पुरी। अभी भी कुछ ऐसे सत्य हैं जिन पर से पर्दा उठाना बाकी है। Nonsense. आप किस सच की बात कर रहे हैं आप? अरे ये वीडियो आपके सामने ही तो रिकॉर्ड किया था हमने मिस्टर पाठक। इस वीडियो को झुठला नहीं। योर ऑनर, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अदालत के समक्ष रखना चाहूंगा, कुछ ऐसी बातें जो मेरे मन में शंका पैदा कर रही है। जब हिमालय पे एक साधु की गुफा से ये जो यति की प्राचीन कलाकृतियां थी उनका सैंपल लेकर मैंने फोरेंसिक लैब में भेजा है और जांच से पता चला योर ऑनर कि वो कलाकृतियां पुरातन नहीं है, ना ही उन्हें हमारे पूर्वजों ने बनाई है। जिस रंग से वो कलाकृतियां बनाई गई थी वो केवल एक ही महीने पुरानी है। उसी समय जिस समय आकाश और उसकी टीम वहां पर्वतारोहण पर गई थी, जिसका अर्थ ये होता है कि आकाश के ही टीम उन्हीं के दल से किसी ने वो कलाकृतियां बनाई थी। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, अभी अभी जो दृश्य हम सब ने देखे उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हिम मानव के हाथों में आइस एक्स है। आइस एक्स योर ऑनर जो एक पर्वतारोही के पास होता है उसकी अपनी सुरक्षा के लिए। योर ऑनर, ये आइस एक्स से उस हिम मानव ने शेरपा की हत्या की। विकी के कथन के अनुसार आकाश की हत्या भी यति ने उसी आइस एक्स से की। अब जो आइस एक्स पर्वतारोही के पास होता है योर ऑनर, वो यति के पास कैसे आया? आज तक हम में से किसी ने किसी जानवर को हथियार का उपयोग करके किसी की हत्या करते हुए तो नहीं सुना योर ऑनर। फिर इस यति ने ऐसा क्यों किया, वो भी एक नहीं दो दो बार। नॉनसेंस, अब केस सॉल्व होने वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है, तो आप क्या ये कुल्हाड़ी के पेंटिंग्स लेकर बैठ गए मिस्टर पाठक? हमें तो लगा था आप बहुत ही इंटेलिजेंट लॉयर हैं। नहीं, मैं सच्चा लॉयर हूं मिस पुरी। तो केस में हार या जीत मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता जितना कि सत्य। योर ऑनर, मैं विनती करता हूं अदालत से कि आज इस केस का निर्णय नहीं सुनाया जाए। मुझे केवल 2 दिन का समय दिया जाए सत्य तक पहुंचने के लिए। यह अदालत 2 दिनों के लिए मुलतवी की जाती। बॉस, अपुन को लगता है वो केव में पेंटिंग ना जरूर उस वो साधु बाबा ने बनाई रहेगी। हाँ हाँ, बेचारे तपस्या करते करते बोर हो जाते होंगे तो ब्रश उठाकर पेंटिंग करते होंगे। ए अपुन बोल रहे ना, अपुन को सीरियसली लिया कर ज्यादा है। बस दैट्स एनफ। सर, मैं एक बात तो आपको बताना ही भूल गई। आज सुबह ही मुझे इंस्पेक्टर दवे से पता चला कि आकाश के पास कोई अलेक्जेंडर की तलवार मिली थी। अलेक्जेंडर की तलवार आकाश के पास? जी सर। ये क्या नई कहानी है? सर, आकाश को काराकोरम की पहाड़ियों में किसी एक्सपेडिशन पर मिली थी जो एक्चुअली सिकंदर आजम की है, जब उसने इंडिया पर हमला किया था। ऑथेंटिक है सर। इनफैक्ट आकाश इस तलवार की डील इटालियन गवर्नमेंट के साथ करने वाला था, लेकिन अचानक उसके घर से किसी ने ये तलवार गायब ही कर दी। वहाँ आकाश की हत्या होना और यहाँ उसके घर से तलवार का चोरी होना, मुझे लगता है ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई है, कोई ना कोई तो संबंध है। वहाँ जाना पड़ेगा। कौन जाएगा तुम दोनों में से? वहाँ दोनों पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ले ली, कोई सुराग नहीं मिला। अरे मामा, बोले तो दवे साहब, वो क्या है ना, अपुन के केडी बॉस है ना, उनको मामा लोग पे बोले तो पुलिस वाले लोग पे इतना ट्रस्ट नहीं है, तो उन्होंने अपुन को बोला कि जाके रिसर्च करके आज चेक करके आप फाइंड करके बोले तेरी नानी याद दिलाओ। अरे क्या है ना, वैसे आप उनसे टेंशन काहे को लेते? आगे काम करना अपना। तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे? लेट मी सर्च। करना तू सर्च कर, मस्त भाव भी कम है। काम कब?
नहीं पड़े वैसा आपका लिए। इतना बड़ा बड़ा बुक लोग काय को रखते थे वैसा? अपुन ने बचपन में आज तक पढ़ाई तो किया नहीं है, क्या काय को रखते अपुन को पता चल गया? दवे साहब अपुन वही स्पेशल विजिटिंग कार्ड मिले ला है, नंबर डायल करके देखो तो सही। ए शांति रखना दवे साहब, काम कर, छोकरी का फाउली काम है। ये नंबर किसका है? और ये पेन ड्राइव? ये थी। और यहाँ हिमालय का ये थी। मिस्टर पाठक मुंबई में कैसे आ सकता है? केवल मुंबई में नहीं मिस पुरी, यहाँ उस अदालत में आने वाला है। नॉनसेंस। आप योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो। अनुमति माधव बाबा बुलाए साहब, होशियार दिखिए, यटी साहब पधार रहे हैं। यटी साहब आइए। मत, आप कहां जा रहे? आइए आइए। जरा न्यायाधीश महोदय को अपनी पहचान दीजिए। कोई यती नहीं, ये मेरा सहायक श्रवण है। इसकी जो आवाज आ रही थी यती वाली, वो इसके अंदर छुपे हुए एक रिकॉर्डर से आ रही है। और ये जो वेशभूषा है, ये हमारे यहीं के मंगनलाल ड्रेस वाले के पास से लिया गया था। दो पोशाक थे यती के उनके पास योर ऑनर, एक ये है और दूसरी वहां हिमालय। सर, मैंने जिस यती को देखा था और जिसने मिस्टर कॉल को मारा था, वो बिल्कुल ऐसे ही था। हाँ, ऐसा ही है विकी, इसीलिए कह रहा हूँ योर ऑनर, बिल्कुल ऐसा ही पोशाक था जो वो मानव लेकर गया था हिम मानव बनने। ऑर्डर ऑर्डर, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिमालय पर येती है या नहीं, इस बात का तो ना मेरे पास कोई प्रमाण है ना किसी और के पास, किंतु मेरे पास पूरा पूरा प्रमाण है कि ऐसे ही येती की वेशभूषा में किसी मानव ने, हिम मानव बनकर आकाश और शेरपा की हत्या की है। तुम बैठो। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि हत्यारा आकाश के गुट का ही कोई पर्वतारोही है। ये आप किस आधार पर कह सकते हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, हमारे येती भाई ने जब अदालत में प्रवेश किया तो जो स्वर आपने सुना योर ऑनर, वो साउंड इफेक्ट्स का प्रयोग करके बनाया गया है, और वो साउंड इफेक्ट्स, वो स्वर इस मेमोरी स्टिक पर थे योर ऑनर, जो हमें आकाश के घर से बरामद हुआ। आकाश के घर से मगनलाल ड्रेस वाला का कार्ड भी इंस्पेक्टर दवे ने प्राप्त किया, और जब इंस्पेक्टर दवे ने उनसे बात की तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि आकाश ने उनके पास से हूबहू ऐसा ही सूट भाड़े पे लिया था। मिस्टर पाठक जी, आपने इतनी चीजें समझा दी तो जरा इस बात पर भी प्रकाश डाल दीजिए कि आकाश ऐसा क्यों करेगा। योर ऑनर, इस बात पर प्रकाश तो आकाश ही डाल सकता था, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि
सेठी साहब के पास इस प्रश्न का उत्तर होगा। योर ऑनर, मेरी आकाश के साथ एक सीक्रेट डील हुई थी कि अगर वो हिम मानव ढूंढने में सफल रहता है तो मैं उसे 20 करोड़ देने वाला था। तो इसी लालच में आकाश ने वो नकली हिम मानव को असली बताकर आपसे ये धनराशि ऐंठने का प्रयास किया। ध्यान देने वाली बात ये है योर ऑनर के इस कार्य में वो अकेला नहीं था। उसने अपने गुट के किसी व्यक्ति को, अपने ही गुट के एक पर्वतारोही को अपने साथ इस कार्य में जोड़ लिया था। और वही व्यक्ति योर ऑनर आकाश का असल हत्यारा भी है। इसका मतलब है कि वो आपका मुवक्किल विकी माथुरी होगा, क्योंकि उस वक्त आकाश के साथ में लॉर्ड वही मौजूद था। उसी ने येटी का मास्क पहनकर वहां पर आकाश को मारा। इस बुरी वो व्यक्ति विकी नहीं है, कोई और है, कोई और जिसके पास एक बहुत विशेष रहस्य भी है। कैसा रहस्य? तलवार मिस पुरी, और कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं है, अलेक्जेंडर साहब की तलवार। योर ऑनर, आकाश ने इस व्यक्ति को अपनी योजना में अपना भागीदार बनाया होगा, जिस कारण से ये व्यक्ति आकाश के घर गया होगा, जहां उसे अलेक्जेंडर की तलवार के बारे में पता चला होगा, और पता चलने के बाद उस व्यक्ति ने स्वयं अपने मन में अपनी योजना बनाई होगी कि आकाश की वहां हिमालय पर हत्या करके यहां मुंबई आकर उस तलवार को वो चुरा लेगा, और ऐसा ही उसने किया। ये काम आपके मुवक्किल विकी माथुर का ही है। नॉनसेंस मिस पुरी। hey, कहने का अर्थ है कि विकी ऐसा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मुंबई आते ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, तो कैसे ये आकाश के घर जाएगा और कैसे वहाँ से अलेक्जेंडर की तलवार चुराएगा, बताइए ना मिस्टर पाठक। ऐसा भी तो हो सकता कि विकी ने वो तलवार एक्सपेडिशन पे जाने से पहले ही चुरा ली, और इस डर से कि आकाश को इस बात का पता चल जाए उसने वहाँ पर मौका पाते ही उसका कत्ल कर दिया। आप भूल रही हैं मिस पुरी कि हम दोनों के सामने, हमारी आंखों के सामने वहाँ हिमालय पर एक और हत्या की गई थी। उस किसी मानव ने हिम मानव का भेष पहनकर शेरपा गोर सिंह को मारा था, और वो मेरे मुवक्किल विकी हो नहीं सकते, क्योंकि उस समय विकी पुलिस की हिरासत में था। किंतु योर ऑनर, दल के अन्य लोग उस समय पुलिस की हिरासत में नहीं थे, जैसे कि मिस्टर सेठी, शक्ति, रेनु, दीप्ति, विकी। कैच लाइए, वापस लाइए। सेठी साहब, छूट गया आपसे, मुझसे भी छूटने वाला था, लेकिन पकड़ ही लिया मैंने हत्यारे को। योर ऑनर, योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट कि कोर्टरूम है कि कोई प्लेग्राउंड। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मुझे सत्य तक पहुँचने के लिए ये छोटा सा खेल खेलना पड़ा। आपकी अनुमति हो तो मैं शेरपा गोर सिंह की हत्या की सीढ़ी एक बार फिर से अदालत में चलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, इस चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो हिमानव, वो मानव जो हिमानव के रूप में है, वो हत्या करने के लिए अपने बाएं हाथ का प्रयोग कर रहा है, अर्थात वो जो भी है वो लेफ्टी है। और योर ऑनर, आकाश जी के गुट में से दो ही लोगों ने मुझे बाएं हाथ का उपयोग करके गेंद वापस लौटाई, वो है रेनू और दीप्ति। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि ये मानव जो हिमानव के भेष में है वो इन दोनों में से ही कोई है, असल हत्यारा इन दोनों में से ही कोई है। I'm sorry to interrupt you once again, Mr. Pathak. आपको ये थोड़ा nonsensical नहीं लग रहा है कि 7 फुट का yeti और उसके आप comparison करें ये नाजुक सी 5 फुट की लड़कियों के साथ? नहीं 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 मिस पुरी, आजकल के दिनों में तो समानता है पुरुष और महिलाओं के बीच में, इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, यू नो। और वैसे भी ये दोनों पर्वतारोही है, माउंटेनियर्स है, बहुत शक्तिशाली है। रही आपके 7 फुट के होने की बात, तो आपको मैं ये बता दूं कि हिमानव का ये जो पोशाक है उसमें 1.5-2 फीट का तो केवल पैडिंग है। मुझे मेरे सहायक श्रवण, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है मिस पुरी के ये हिम मानव वास्तविकता में
हर मानव है। आप कहे तो दोनों को बारी बारी बुला के पूछ। क्यों? मैं किसी का कत्ल करने का सोच भी नहीं सकती कभी, और मिस्टर कॉल और शेरपा गोसिंग से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। अरे वो सब बातें छोड़िए, ये बताइए कि आकाश जी की हत्या के बाद जब आप लोग सब लौटे, उसके बाद आप गई थी वहाँ फिर से एक बार हिमालय? नहीं, मिस्टर कॉल के खून के बाद हम लोग जो मिशन अधूरा छोड़ के आए थे उसके बाद मैं हिमालय कभी नहीं गई। फिर कहाँ गई थी आप? क्योंकि उस एक सप्ताह में आप विकी से भी मिलने नहीं आई, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप संभवतः शहर में नहीं थी, कहीं बाहर गई थी। आप सही है मिस्टर पाठक, मैं गोवा गई। गोवा? अचानक क्यों? एक्चुअली मैं गोवा यूनिवर्सिटी से पीजी का डिस्टेंस कोर्स कर रही हूँ, तो उसी के लिए मैं एग्जाम देने गई। अच्छा, और आप रेनू जी? सर मैं अपनी मॉम के घर गई थी, कसौली। मॉम के यहाँ कसौली? अच्छा, ये अपने हाथों में दस्ताने क्यों पहने हुए, क्या हो गया? जरा उतारिए तो सही, देखें देखें। जी सर, वो एक्चुअली फ्रॉस्टबाइट हो गया था, हमने कसौली में ट्रैकिंग की थी इसलिए। बहुत ही ठंडी हवा के कारण त्वचा नीली पड़ जाना, खून का रुक जाना, ये तो कसौली में तो संभव नहीं है। संभव है तो हिमालय की चोटियों पर जहाँ शेरपा गोर सिंह की हत्या हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमारे पीछे पीछे वहाँ तक गई हों और आप ही ने शेरपा गोर सिंह की हत्या की हो? सर ट्रस्ट मी, ये फ्रॉस्टबाइट मुझे कसौली में ही हुआ है, हिमालय में नहीं। हिमालय तो मैं गई ही नहीं। सर आप चाहे तो मेरे फोन रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। सर पिछले 7 दिन मेरा फोन ऑन था। अब ये कॉल डिटेल्स और झूठ नहीं बोलेंगी ना सर? अब आप किस पे शक करेंगे मिस्टर पाठक? एब्सोल्युटली मिस्टर पाठक, बताइए जज साहब को, क्योंकि अब तो आपको नए सस्पेक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है योर ऑनर, में एक बार फिर दीप्ति जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। दीप्ति जी, आपने कहा था कि आप पिछले सप्ताह गोवा में, तो आपको देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा कि आप गोवा गई थी? नॉनसेंस मिस्टर पाठक, योर ऑनर किसी को देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि वो कहां गया था और कहां नहीं? दिस इज रिडिकुलस मिस्टर पाठक। कॉमन सेंस मिस पुरी, सामान्य बुद्धि। गोवा की तपती हुई धूप में अगर कोई घूमे तो चेहरा थोड़ा टैन हो जाता है, लाल हो जाता है, लेकिन इन्हें देखिए, इनका तो चेहरा निखर रहा है एकदम। वो एक्चुअली मैं पूरा टाइम होटल रूम में ही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप एक सप्ताह तक गोवा में थी और पूरा समय आप होटल के कमरे में ही थी, विश्वास करना जरा कठिन है, पर चलिए बताइए कौन से होटल में थी आप? सन लगून। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको बुकिंग दिखा सकती हूँ। चलिए कमरे में थी तो बताइए कमरा नंबर क्या था? वो मुझे भी याद नहीं है। आपको याद नहीं कि आप कौन से कमरे में थी? ये तो बड़ी विचित्र बात है, इतने लंबे समय तक आप एक कमरे में रही और आपको कमरा नंबर ही नहीं पता। वो इसलिए क्योंकि बुकिंग तो आपने सन लगून में करवाई थी, किंतु आप गोवा गई ही नहीं। देखिए आप इस बात को झुटला सकती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर दवे को 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे सन लगून फोन करके पता लगाने की कि आप वहां थी या नहीं थी। अब झूठ तो आपका पकड़ा ही गया है, तो बाकी का सच भी उगल दीजिए कि आप ही थी जो हिमालय में हमारे पीछे पीछे गई, शेरपा गोर सिंह की हत्या की, उससे पहले आकाश की हत्या की और आकाश के घर जाकर तलवार को चुराया आपने। बताइए कि वो तलवार कहाँ छिपा रखी है आपने? मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी अंतर आत्मा कह रही है कि वो तलवार आपने अपने घर पे छुपाई हुई है। आप कहें तो मैं दवे को कहूँ कि जाकर आपके घर की छानबीन करे और वो तलवार यहाँ लेकर आए, जिससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि हत्यारे ना आप है। या आप बताएंगी कि तलवार कहाँ है? कहाँ है तलवार, प्लीज बोलिए। अपने घर पे। वही तलवार हासिल करने के लिए मैंने मिस्टर कॉल के साथ दगाबाजी की। प्लान तो सिर्फ इतना ही था कि मिस्टर कॉल, विकी और रेनू जब यति की नकली आवाज सुनकर बाहर आएंगे तो मैं यति की ड्रेस पहनकर क्लिफ पर पहुंच जाऊंगी, लेकिन शक्ति के रहते मैं ये सब नहीं कर सकती।
इसीलिए मैंने सबसे पहले शक्ति को टेंट से बाहर भेजा। उसके बाद मैंने बैग से यति का सूट निकाला और वो पहन के यति का मास्क पहन के मैं बाहर आ गई। मिस्टर कॉल क्लिफ के ऊपर मेरा इंतजार कर रहे थे कि कब मैं यति बनकर आऊं और वो मेरा वीडियो शूट कर मिस्टर सेठी को दिखाएं, क्योंकि वो 20 करोड़ का सपना देख रहे थे जिसमें मेरी भागीदारी सिर्फ 2 करोड़ की थी। लेकिन उनको नहीं पता कि मेरा सपना करोड़ों का नहीं अरबों का है, जो सिर्फ मैं अलेक्जेंडर की तलवार चुरा कर ही पा सकती थी। इसीलिए मैंने मिस्टर कॉल का खून कर दिया। पर मुझे नहीं पता था कि उस खून के इंजाम में विकी फंस जाएगा। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसको सजा होते नहीं देख सकती। और मैंने ही मिस्टर पाठक और मिस पुरी को ये यति का वीडियो भेजा, जिससे उनको ये यकीन हो जाए कि यति एग्जिस्ट करता है हिमालय। और यही यकीन दिलाने के लिए मैंने इन लोगों की आंखों के सामने शेरपा को मार डाला। पर मुझे नहीं पता था कि मैं सब लोगों को चकमा तो दे सकती हूँ, लेकिन केडी पाठक को नहीं दे सकती। द डिफेंस रेस्ट योर। ये अदालत दीप्ति शाह को आकाश कौल और शेरपा गोर सिंह के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है और विकी माथुर को सारे इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर पाठक, मानना पड़ेगा आपकी केस जीतने की नीति को। नियति कहिए या फिर इस केस में नी येटी बैड जोक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।